Hello everyone welcome to quick prints hope you all are doing great and learning well this video would be in mix with hindi and english so इट कुड बी अंडरस्टैंडेबल दोनों ही लैंग्वेज के लोगों के लिए तो यहाँ पे लाइक like, अभी uh, uh, तक हमने जो भी वीडियो बनाए हैं वो टेक्निक्स को लेकर है लाइक हाउ टू डू दैट थिंग हाउ टू डू यूटिलाइजेशन ऑफ टूल एंड ऑल सो नाउ द टाइम हैज़ कम जब उन टेक्निक्स को यूज़ करना है आर्टवर्क पे लाइक दिस इज़ द आर्टवर्क जिसमें कि स्ट्राइप है स्ट्राइप प्लेड और स्ट्राइप बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं होता है इट जस्ट अ हॉर्जेंटल एंड वर्टिकल मिक्सचर ऑफ अ स्ट्राइप बिकम प्लेड बिकॉज जो वॉप में होगा वो वेफ़्ट में होगा मोस्ट ऑफ़ द केसेस में बट कुछ केसेस में होता है वॉफ्ट और वेप थोड़ा सा अलग होता है तो लाइक एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एक ल्यूरिक्स uh, प्लैट है तो यहाँ पर हम टेक्निकली आज एक नए चीज़ को अचीव करने का प्लान कर रहे हैं लाइक हाउ टू गिव दैट ल्यूरिक्स इफेक्ट इन स्ट्राइप और प्लेट सो दैट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो वेलकम बैक सो ये एक स्ट्राइप है जिसको हम लिरिक्स इफेक्ट आज अचीव करने का कोशिश करेंगे प्लेड में और लाइक स्ट्राइप्स में स्ट्राइप कुड बी प्लेड सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिसाइड सी वी कैन नॉट कॉपी द एग्जैक्ट द सेम इमेज और सेम रेफरेंस बिकॉज इट्स आई हैव टेकन फ्रॉम द वो गनवे एस एंड जेक ब्रांड द लिंक हैज गिवन ऑफ दिस इमेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन डाउनलोड एंड सी इट so we cannot copy or we cannot create similar or it should be it should look similar but in a, some technical and visual manner it should be different so those are the some technical things which all graphic and textile designers should understand what is the copyright changes and all they can simply ask in a comment section I can guide you that what would be the copyright changes and all.

कंटिन्यू uh, वही चल जाएगा तो ये रिपीट ले लिया है एक राइट एंड नाउ कलर्स कलर्स का है अभी फ़िलहाल इसी के कलर्स ले सकते हैं अदर अदरवाइज वी कैन गो फॉर सम अदर कलर्स सो लेट्स टिक द ब्लू एंड ग्रे स्टोरी सो आई एम जस्ट कीपिंग डार्क बेस ब्लू राइट बट थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए कार्बन साइड मोर डार्कर साइड लेस सेचूरेटेड या इट्स फाइन तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि कुछ ग्रे यान रखेंगे कुछ आ, सिल्वर लिरिक्स रखेंगे तो सिल्वर लिरिक्स एंड ग्रे यान तो मैं यहाँ पे एक स्ट्राइप बना लेता हूँ ये स्ट्राइप मैंने रख लिया है बहुत इजी सा है एक नए लेयर लिया है नए लेयर में ग्रे कलर फिल कर देता हूँ यस yes. अब ये कलर्स को देखना है इस कलर का बैलेंस इसके साथ बहुत वाइब्रेंट आ रहा है इट इज गोइंग टू वर्ड मोर वाइट लेस ग्रे सो लेट्स मेक इट डार्कर मैं इसको डार्क कर देता हूं और स्लाइटली थोड़ा और डार्क या इट्स लुकिंग फाइन अब यहाँ पे स्ट्राइपर का वेरिएशन देखना है ये स्ट्राइपर शिफ्ट के साथ आप इसको पतला कर सकते हैं अब यहाँ पे एक शॉर्ट कमांड जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट राइट कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट से ये कॉपी हो गया जिसमें कि आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं ये पॉइंट है उसके बाद आप इसको रैंडमली शिफ्ट और माउस के साथ कितने भी कमांड्स नीचे ला सकते हैं जस्ट अप टू यू अब इसके बाद थोड़ा अंडू कर रहा हूँ मैंने कुछ कल किया था ये तीन स्ट्राइप लेने के बाद अब इसका मुझे एक फाइनर स्ट्राइप चाहिए मैं इसको और पतला कर देना चाहता हूँ काफ़ी पतला लाइक like सिंगल यान जैसा राइट right? ये हो गया अब यहाँ इसका मैंने ये एक शॉर्ट कमांड बना रखा है जिसको कि आप कंट्रोल शिफ्ट आई ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट आई से नीचे देते जाएंगे ये उतने ही लेयर कॉपी होते जाएंगे सिर्फ आपको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके एरो का नीचे वाला की प्रेस करना है ये बहुत इस तरीके से एक शॉर्ट कमांड है राइट right? ये आप अपने से ट्राई करेंगे मैंने सिर्फ ये आपको चलाने के लिए दिखाया था इसका सही यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ ये बैक कर लेते पहले वापस बिकॉज इट इट वॉज जस्ट टू शो यू द शॉर्ट कमांड यूटिलाइजेशन ऑफ शॉर्ट कमांड मैं इसके लेयर्स को कम कर दे रहा हूँ वापस वहीं पे पहुँच रहा हूँ अब यहाँ वी जस्ट वॉन्ट टू एड सम ये स्ट्राइप्स जो है ल्यूरिक्स के होने चाहिए उसके लिए मैं ये लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ सॉरी मैंने ज़्यादा लेयर्स डिलीट कर दिए एक बार देख लेते हैं राइट right. यहाँ से ये तीन लेयर और ये इसके दोनों लेयर सो so, अब ये तो हो गया बेसिक रिपीट का आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं लेयर मर्ज करके लेयर मर्ज कर दिया कंट्रोल ई -E से यहाँ तक आप रिपीट इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अब बीच के पार्ट्स इसमें इफेक्ट डालने का भी अभी ऑप्शन है बीच के पार्ट्स को लिरिक्स में लेने का है लिरिक्स के लिए मैंने कुछ पैटर्न डाउनलोड किए हैं जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये वो ग्लिटर पैटर्नस हैं मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी थोड़ा सा इसका लास्ट थम यस हाँ ये लास्ट थम हैं ये पैटर्नस है जो कि आपको उस पैटर्न में मिल जाएंगे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है यहाँ पे लिरिक्स के कलर्स हैं आप इसको पैटर्न में फिल कर सकते हैं जैसे भी आपको यूज़ करने हैं अभी फिलहाल हम ये अंडाइड के लिए यूज़ करेंगे आप बहुत स्मार्टली देखिए बहुत डिटेल्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये आप पैटर्न स्टैम्प टूल में गए हैं आपने लिरिक्स का पैटर्न सेलेक्ट किया है जस्ट टू मेंटेन द ब्राइटनेस मैं गोल्ड ले ले रहा हूँ आपने पैटर्न का टूल सेलेक्ट किया राइट इतना बहुत क्लियर है ध्यान से समझिए पैटर्न स्टैम्प टूल देन सेलेक्ट गोल्डन और एनी विथ सूटेबल अकॉर्डिंग टू योर आर्ट वर्क एंड इंटरेस्ट अब यहाँ पे ये ब्रश का सेक्शन है यहाँ ब्रश से आपको देखना है कि आप अपने आपने जो भी ब्रश लेंगे वो इस ब्रश में कंसीडर हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रशेज डाउनलोड किए हैं आपने भी अपने किए होंगे मेरा एक फेवरेट स्टिच ब्रश है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अब जब आप ये स्टिच ब्रश पैटर्न स्टैम्पिंग में यूज करते हैं अपने सेलेक्टेड पैटर्न के साथ तो इट विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू तो द सेलेक्टेड पैटर्न राइट लाइक दिस नाउ इट इज़ शोइंग यू दैट फॉइल यान इफेक्ट अब मुझे इसका साइज़ छोटा करना है बिकॉज आई एम फीलिंग ये स्टिच का साइज़ बहुत बड़ा है डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है साइज़ यहाँ से छोटा हो गया है ये साइज़ मैं छोटा कर ले रहा हूँ डिस्टेंस और थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ साइज और छोटा राइट right. आप ध्यान दीजिएगा जो टेक्निक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी उस पर ध्यान देने का बात है नया लेयर लिया है शिफ्ट दबा पे आपने शिफ्ट दबा के सीधा ड्रैग कर देना है लाइन एकदम स्ट्रेट जाएगी शिफ्ट दबा के आपने किया है लाइन एकदम स्ट्रेट गई है अब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट राइट और एंटर एरो आप ये प्रेस करते जाएंगे और आपका लेआउट चलता जाएगा राइट जहाँ तक आपको रोकना हो आप उतना रोक सकते हैं ये आपका लिरिक्स का इफेक्ट है राइट देखिए अभी तक जो वीडियो बनाए थे वो टेक्निक बेस्ड थे उन्हीं टेक्निक का ये कॉम्बिनेशन है अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको जाके देखने होंगे सो दैट आपको पता लग जाए ब्रश कैसे बना लिरिक्स के लिए कैसे पैटर्न डाउनलोड किए वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी राइट ये एक लिरिक्स का इफ़ेक्ट है अब यहाँ पे आई वांट के एक और लिरिक्स हो और थोड़ा सा उसका स्टिच चेंज हो तो अब मैं सिल्वर लिरिक्स लिया है मैंने वापस से ब्रश चेंज किया है अब अगेन यान के लिए मैं दूसरा लिरिक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको चला के देखता हूँ ये इस तरीके से है बट बहुत थिन है थिक है इसको थोड़ा सा थिनर करना होगा साइज छोटा करना होगा स्पेस बढ़ा लेते हैं और साइज़ छोटा राइट अगेन सेम टेक्निक है बट इस बार मैं डायरेक्शन थोड़े से चेंज कर रहा हूँ डॉबी में आएगा मैं इसको यान में कर रहा हूँ ये इस तरीके से बट इसका जो यूज़ है वो यहाँ रखने वाले हैं right? राइट ये आपका लेयर इसका है एक नया लेयर लेंगे सिल्वर लिरिक्स के लिए आपने शिफ्ट दबा के सीधा ट्रैक करना है कुछ नहीं करना और ये आराम से बिल्कुल आपका चला जाएगा एक सेकेंड ये हो रहा है प्रोसेसिंग में है ये देखिए मैं आपको पूरे आर्टवर्क पे दिखाता हूँ आपने यहाँ पे शिफ्ट दबाया और सीधा ड्रैग करते ले गए और आपका आर्टवर्क पूरा ये यहाँ है सेंटर आप अपने हिसाब से लाइन कर सकते हैं थोड़ा बहुत उन्नीस बीस रखने में हो सकता है ये इस तरीके से हो गया ये यहाँ आप इसको देख सकते हैं आसानी से ये आपका यान का आर्टवर्क है स्ट्राइपर जो अभी मैं लाइक जस्ट टू प्रैक्टिस एंड जस्ट टू शो यू आपके लिए बताया अब पॉइंट uh, ये आता है कि ये जो फैब्रिक है ये स्ट्राइप है सॉलिड स्ट्राइप ये सॉलिड स्ट्राइप इसके साथ बैलेंस नहीं कर रही है शुड हैव समय टेक्सचर तो यहाँ पे आप सिंपली गूगल से कोई प्लेन वीव का टेक्सचर ले सकते हैं जस्ट सिंपली टाइप गूगल प्लेन बास्केट वीव राइट तो कोई भी बास्केट वीव का फैब्रिक ले सकते हैं बास्केट वीव फैब्रिक लेते हैं बिकॉज यहाँ पे वीव के ऑप्शन आने लगे हैं तो फैब्रिक लेते हैं लाइक like फैब्रिक के इमेज में जाएंगे कोई भी फैब्रिक ले लेंगे जो सीमलेस दिखे हाँ ये भी ठीक है ये भी ठीक है और एक बहुत इजी सा तरीका है लेट्स स्किप दिस ये तो आप लोग कोई भी इजीली इंटरनेट से जाके कोई भी ले लेगा। बट द गुड थिंग्स आर नॉट कमिंग इन ईजी पैकेट्स सो लेट्स कम बैक यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बहुत ईजी बता दे रहा हूँ एक छोटा सा पिक्सल जूम करके बिल्कुल जूम करके ये राइट right? इसका प्रिंट साइज आप देख लीजिए आपने बॉक्स लगाया कहाँ चला गया खो गया एनीवेज तो बहुत ज़्यादा इसको ज़ूम करके थोड़ा सा ये एक मैं बॉक्स लगा ले रहा हूँ सिंपल ब्लैक से फिल कर लिया इसका ये रिपीट बन गया है प्लेन वीव के लिए यूजली ये यूज़ हो जाता है तो हम इसको कर सकते हैं ये बहुत इजी है ऐसा बना के आप पैटर्न कन्वर्ट कीजिए पैटर्न कन्वर्ट कर लिया अंडू करके वापस इसको हटा सकते हैं अब जब पैटर्न कन्वर्ट हो गया है तो इस लेयर पर आ जाते हैं इसको सेलेक्ट कर लिया है सारे लेयर सेलेक्ट हो गए हैं इसके क्योंकि कंटीन्यूस ऑफ था अब ध्यान रखिए एंटी अलास ऑफ है कोई टॉलरेंस नहीं है बिकॉज आर्टवर्क बहुत क्लियर है और यहाँ पे उस पैटर्न को रन कर देते हैं जब ये पैटर्न रन कर दिया तो प्लेन व्यू का फील देने लगा है थोड़ा सा टेक्सचर दिखने लगा है लाइक अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा हमने छोटा बनाया तो यहाँ से इसका स्केल बढ़ा सकते हैं अंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट और ये इस तरीके से दिखेगा फिर यहाँ आप इसमें लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं इट्स अप टू यू और नहीं तो एक बहुत ईजी सा तरीका है वापस आइए हंड्रेड कीजिए पिक्सलेटेड नहीं है इसको किसी एक न्यू लेयर के साथ लेके कर कीजिए ये इजी तरीका है रेस्टराइज करने का यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए अब जो ये ब्लैक बचा है इसको स्लाइटली इसके इसी के कलर से दो तीन चार टोन लाइट करके इसको फिल कर देते हैं और ये टेक्सचर दिखने लगेगा सो so, ये इस तरीके से टेक्सचर्ड हो गया है तो ये तो हो गया एक प्लेन स्ट्राइप का फॉर्मेट इट्स अप टू यू आप इसमें जो भी करना चाहते हैं टेक्निक्स मैंने आपको बता दी है आप इसको प्लेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं बहुत ईजी है जस्ट मेक क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वॉप और वेफ्ट सेम रहता है तो आपको सेम साइज़ का ग्रिड लगाना है लाइक एज वी आर डूइंग 14 का ग्रिड है कंट्रोल आर स्केल आ गया है ग्रिड लगा दिया है एक एंड पे ये रहेगा अब यहाँ पे दो तरीके हैं फ्लैट को कन्वर्ट करने के मैं फ़िलहाल ये लेयर बंद कर देता हूँ इस लेयर को भी बंद कर देता हूँ और ये जितनी भी लेयर्स हैं इन सबको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं राइटर ओके इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये सिलेक्शन में नहीं आएगा ये लेयर है इसको आप सेंटर रख देते हैं सेंटर रख सकते हैं या फ्रंट एंड और कहीं भी तो इसका एक ग्रेड लगा लेते ताकि बॉक्स जो है स्क्वायर बॉक्स बिल्कुल अलाइन रहे कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये इसका हाइट एंड वेथ ये इसका सेंटर है यहाँ पे इसका सेंटर मैच करना है लेयर सेलेक्ट करना है सारा राइट कंट्रोल से इसको एक बार डिसलेक्ट करके ये ये हो गया सेंटर इसका आपको कंट्रोल जी कंट्रोल जी जैसे ही करेंगे सारे लेयर्स ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप यहाँ जाके डुप्लीकेट ग्रुप कर सकते हैं आपने डुप्लीकेट ग्रुप किया अब उतने ही लेयर्स का आपको डुप्लीकेट ग्रुप मिल गया कंट्रोल टी करेंगे रोटेट नाइन्टी परसेंट क्लाक वाइज राइट अब यहाँ देखना है कि ये ओवरलैप में बहुत ही फ्लैट हो रहा है वो थोड़ा सा आ, दिख नहीं रहा है ओवरलैप जाता हुआ यहाँ तो यहाँ उसके लिए आप ओपेसिटी को 70 परसेंट कर देंगे और आपके यान की विजिबिलिटी इस तरीके से हो जाएगी अब ये हो गया आपका स्ट्राइप से ब्लैड का फॉर्मेट और अगर आपको लगता है कि भाई आ, क्या कहते हैं यहाँ पे जो लियिक्स की ओपेसिटी बढ़ानी चाहिए तो वहाँ पे से आप इसको अनग्रुप करेंगे लियक्स वाली लेयर पर जाएंगे राइट क्लिक करके लेयर सेलेक्ट कर लेंगे लेयर यरी और यहाँ फिर सबको आपने सेवेंटी करना है और उसके बाद अनग्रुप करके लेयर्स को अनग्रुप कर लेते हैं अनग्रुप लेयर्स एट अनग्रुप करने के बाद इस ग्रुप को भी अनग्रुप कर लेते हैं अनग्रुप लेयर्स अब ये सारी लेयर्स आपके सेवेंटी परसेंट की ओपेसिटी प्रॉपर आ चुकी है सारे में हाई लो आ चुका है तो ये तो हो गया प्लेट का एक बेसिक लेआउट अब इसके नीचे जो सॉलिड प्लेट है आप यहाँ भी यान डाल सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो अब यहाँ यान डालने के लिए आप क्योंकि ग्राउंड वी पे बेसिक प्लेन यान ज़्यादा जाएगा क्योंकि फैंसी यान और लूरिक्स और टेक्सचर्स हम ऊपर कर चुके हैं तो यहाँ मैं ग्राउंड से थोड़ा सा लाइटर कलर लूँगा और पिछली टेक्निक की तरह एक नई लेयर ले, ले लेता हूँ बी अब जो टेक्निक मैंने उधर पैटर्न में क्लोन स्टैम्प में यूज़ किया था पैटर्न स्टैम्पिंग के टाइम पर अब वो टेक्निक ब्रश में यूज़ करेंगे यहाँ ब्रश मैंने और काफ़ी सारे डाउनलोड किए हैं पर यहाँ पे ब्रश के लिए मैं दूसरे स्टिचेस यूज़ करूँगा जिससे कि थोड़ा सा फ़ाइन मेरा आ सके लुक तो मैं ये डबल स्टिच ब्रश यूज़ कर रहा हूँ लाइक सॉलिड कलर्स में है कोई वो आ, मैंने फैंसी आन कुछ नहीं दिया ये इस तरीके से तो मेन जो है वो यहाँ पे चले गया इसको सबसे नीचे मेरे को सबसे बैकग्राउंड लेयर पे लेके जाना है क्योंकि सबसे नीचे लेयर ये रहेगा और यहाँ इसको ये तो मैं इसका सिंगल लेयर ले लेता हूँ इससे कि मेरे को जो शॉर्ट कमांड चलाने में इजी रहेगा ब्रश सिंगल लेयर यस रनिंग स्टिच और इसका साइज मैं छोटा कर लेता हूँ साइज छोटा स्पेसिंग लार्ज राइट तो अभी जो था दो का सेट चल रहा था राइट अब ये देखिए ये है सॉरी मैं लेयर लेना भूल गया था लेयर ले लेता हूँ न्यू और इसको यहाँ से यहां तक ड्रैग कर लेते हैं ये ये लाइन आ गई है अब कंट्रोल शिफ्ट आए और ये मैंने लेयर सेट के लेयर जो कि आपको पीछे कमांड बताई थी उस तरीके से चला दिया है फ़ाइव की ट्वेंटी फोर कॉपीज हुई है तो मेरे को फाइव तक लेयर मर्ज करनी पड़ेगी ये लेयर मर्ज कर दी जब मैंने लेयर मर्ज कर दी है सारी लेयर्स एक हो गई हैं अब मैं इसे यहाँ पे अपने हिसाब से लगा सकता हूँ मुझे कहाँ ये रखना है तो मैं इसको फिर से कॉपी करके लेके जा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एक बार प्रेस करेंगे सिंगल कॉपी होगा कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे कॉपी होता जाएगा तो ये एक बार शिफ्ट करके आप एरो को ऊपर लेके जाए ये ठीक है यहाँ पर ये है अब मुझे लग रहा है कि यहाँ जो आउटर एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए तो इसको इसके साथ मर्ज कर देते हैं राइट ये इसके साथ जब मर्ज हो गई है थोड़ा सा गैप राइट अब ये लेयर इसके साथ मर्ज है और ये फाइव इसका लेयर और इसका लेयर इन दोनों को मर्ज कर दिया है राइट right. एक कॉपी इसका और बना के देख लेते हैं बिकॉज क्रिएटिव चीज है बनाते हुए ही समझ आ रहा है पहले से प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं है ये यान है इसका ठीक है इस यान को मैं यहाँ रखता हूँ ऊपर टॉप के लिए मैंने इसको वापस टॉप पर देन अब ये जो पतला वाला है जो सिंगल वाला रखा था इसको सेलेक्ट करते हैं राइट right. इसकी लेयर सेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे कहीं ट्रांसफॉर्म हो गया था राइट क्लिक करेंगे ये राइट क्लिक सेलेक्ट है ये इस तरीके से और इसको यहाँ अब इन सब लेयर्स को मर्ज कर देना है मर्ज करने के लिए सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई ये लेयर्स का एक डुप्लिकेट कॉपी लेना है कंट्रोल जे से ट्रांसफॉर्म करना है और 90 डिग्री पर लगा देना है तो बस ये था आज के लिए ये आर्टवर्क मैं आपको रिपीट चला के दिखा देता हूँ इसका रिपीट का फॉर्मेट क्या होगा ग्रिड से सिलेक्शन ले लेना है इमेज में जाना है एडिट में पहुँच कर पैटर्न बहुत ईजी है कई बार बताया क्योंकि तो बड़ा साइज़ है फोर्टीन बाई फोर्टीन है तो इसलिए कैनवास का साइज मुझे एटलीस्ट पेज का साइज़ मुझे एटलीस्ट 60 सिक्सटी 60 सिक्सटी रखना पड़ेगा जिसमें कि थ्री रिपीट्स एटलीस्ट मुझे दिख जाए तो लेट्स कीप द यूजुअली फिफ्टी टू से बड़ा फैब्रिक का वर्थ होता नहीं है तो लेट्स कीप इट फिफ्टी टू एंड जस्ट टू इट एटी इंच द लुक थ्री हंड्रेड रेजोल्यूशन ये है और ये सो so लाइक like, ये आपका यान डाइड आर्टवर्क है जिसमें आपने लिरिक्स भी शोकेस किया है यू कैन सी द प्रिंट साइज प्रिंट साइज ये है 33 थ्री परसेंट थ्री हंड्रेड रेजोल्यूशन थी 100 परसेंट में नहीं आएगा 33 परसेंट में आएगा तो ये आर्टवर्क है आपका यानडाइड आप देख सकते हैं सारे हाईलोज आपको प्रॉपर दिखे हैं कहाँ कपड़ा जा रहा है कहाँ धागा जा रहा है सो गाइस होप यू लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज जस्ट कमेंट इन अ सेक्शन बॉक्स और जो भी मैंने पैटर्न और ब्रश और इमेज यूज़ किया है एज रेफरेंस लेट्स कंपेयर रेफरेंस इमेज जो इमेज से हमने शुरू किया था होता है वी स्टार्ट एंड वी रीच समवेयर एल्स सो दिस वाज़ द इमेज विच वी यूज फॉर रेफरेंस नाउ यू कैन सी हाउ फार एंड क्लोज वी आर टू द ओरिजिनल रेफरेंस सॉरी जस्ट मिनट येस ना यू कैन सी द रेफ्रेंस एंड इंस्परेशन इमेज यहाँ से हम शुरू हुए और ये हमने इसका प्लेट बनाया है स्ट्राइक बहुत ईजीली ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक क्लोज बना था सो होप गाइज यू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइकिंग द कंटेंट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू दमेंट ऑन कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सजेशन और क्वेरीज Keep write and uh, write us on an instagram page or in a comment section of YouTube channel. Thanks for watching Thanks for sharing Thank you.